जैसे गुजरात की नवरात्रि विश्व प्रसिद्ध है, वैसे ही बंगाल की दुर्गा पूजा भी विश्व प्रसिद्ध है। यूनेस्को द्वारा इसे विरासत संस्कृति में शामिल किया गया है। फिर बंगाल की इस महान त्यौहार को संरक्षित करने और बच्चों में सांस्कृतिक सिंचन बरकरार रखने के लिए और नारी शक्ति का जश्न मनाने के लिए बंगाली समाज ने दादरा नगर हवेली की सिलवासा में एक भव्य दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें पूरे सिलवास के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। इधर जैसे मतलब हम लोग जब बाहर आए वेस्ट बंगाल से बाहर है, हम लोग कर्म भूमि है हमारे लिए। जब हम लोग इधर आके डिसाइड किया जो हमारा दुर्गा पूजा करना चाहिए, तो हम लोग सब मिल के किया है। जैसा फूड कमेटी वो लोग काम करते हैं, पूजा कमेटी काम करते, कल्चरल कमेटी काम करते, जो अलग अलग है उनको डिवाइड कर दिया। वो लोग आराम से पूजा का सब पूरा काम कर लेते हैं। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम अभी तक हुआ नहीं है, आराम से हो रहे। दुर्गा माँ का पूजा है, शक्ति पूजा। एकदर एक दुर्गा पूजा जो होता है हमारा शक्ति पूजा है। जैसा काली माता एक शक्ति रूप रहता है, तो दुर्गा पूजा एक शक्ति पूजा है। तो उसमें पूजा करोगे तो आप सब पूजा हो जाता है। और एक बार दुर्गा पूजा हम लोग चालू करते हैं तो उसको बंद नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू रखना पड़ते। माँ शक्ति का आराधना करते, स्वर्ग से मरते आते हैं, 4-5-9 दिन के लिए माँ और 9 रूप लेके आ जाते हैं। इधर पूजा होता है, दशहरे में विसर्जन होकर माँ कैलाश चले जाते हैं, मारते हैं। बाकी तो उनको देख के हमारे में अंदर वो जो पॉजिटिव आता है, हम लोग अच्छा काम करेंगे, सामने वाला को मान सम्मान देने का है कोई चीज़। जहाँ पे नारी का मतलब मान सम्मान नहीं है, जहाँ पे नारी को नीच में देखते हैं, जो नारी कुछ नहीं कर सकते, उधर भूल है, उधर कुछ नहीं हो सकता, वो समाज कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकते। पहले नारी को आगे बढ़ाओ, पीछे सब आगे जल जाएगा। इसीलिए दुर्गा माता को पूजा करते हैं, वही सोच के जे आज जो खराब चीज़ दिखाई दे रहे समाज में, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और नारी कौन सा चीज़ नहीं कर सकते, नारी हर चीज़ कर सकते। माँ नारी 9 रूप लेके आता है, उसके अंदर माँ भी है, भाई भी है, बहन भी है, सास भी है, सब कुछ रूप रहता है। वो लोग काम कौन सा काम नहीं कर सकते, टॉप टू बॉटम वो लोग कर सकते। एक जो एक लड़का कर सकते, वो नारी भी वो कर सकते। पहले आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, आप लोग हमारे पास आए और हमको ये कवरेज मिला। हमारे ये दुर्गा पूजा षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं तक चलेगा। कल हमारा विसर्जन है, माता जी को विसर्जन करेंगे और पूरा साल हम लोग ये पूजा के लिए इंतजार में रहता हूँ। नॉट ओनली बंगाली, नॉन बंगाली के साथ हम लोग ये सेलिब्रेट करता हूँ, पूरा सिलवासा हमारे साथ सेलिब्रेट करता है। सिलवासा के अंदर सबसे बड़ा पूजा, सबसे अच्छे पूजा में ये गिनती होता है। आज हमारा 12वां साल है, हमारा साथ एक 50 आदमी का कम्युनिटी का टीम है जो लास्ट 6 महीने से मेहनत करता है। आज हर एक चीज में कल्चरल टीम, भोग एंड महाप्रसाद, पूजा टीम, डेकोरेशन, पंडाल, पुरोहित, खाना, रसोईया तक हम लोग बंगाल से लेके आता हूँ। हमारा बजट में जो कंट्रीब्यूशन आता है, नॉट ओनली बंगाली नॉन बंगाली की तरफ से भी बहुत कंट्रीब्यूशन आता है। हम लोग जमीन के लिए, मंदिर के लिए जमीन ले लिया और बहुत जल्दी हम लोग मंदिर का काम चालू करेंगे। आपका माध्यम से पूरा सिलवासा को हम आमंत्रण करता हूँ कि हमारे साथ आओ और ये पूजा को सेलिब्रेट करो। सेव पंचमी से दुर्गा ठाकुर लाने से विसर्जन तक ये जो केवॉस है, ये जो पब्लिक जमायत होता है, उसको पूरा पूरा हेल्प करते हैं उसको समेटने में और इसको सक्सेसफुल होने के लिए। तो थैंक्स टू अवर सिलवासा एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन। पूजा 5 दिन इधर पूजा होता है सुबह से, और शाम को आरती होता है माता जी का, देन हमारा डांस, ये एंटरटेनमेंट चलते हैं। महत्वपूर्ण बहुत है और आयोजन के लिए थैंक्स टू ऑल द डिपार्टमेंट्स, लाइक नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, टू सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट, थैंक्स टू सामरमानी ग्राम पंचायत। हम लोग अगर बंगाल से यहाँ पे माँ को ला रहे हैं, सिर्फ बंगाली लोग को एंटरटेनमेंट दुर्गा पूजा करने के लिए नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है सिलवासा का पूरा टीम एक साथ रहे और सिलवासा वासी को यानी और अदर स्टेट को ये दिखाने का साबित करे कि हम लोग दुर्गा पूजा में क्या करते हैं, कैसे होता है अपना कल्चर का डेवलपमेंट। मैं एसके चक्रवर्ती हूँ, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में चीफ पेट्रॉन। एक्चुअली ये जो आयोजन हो रहा है ना, ये है लड़की का होम कमिंग। दुर्गा साल भर रहते हैं अपने ससुराल में,
लड़की आज हमारा पास आ रहा है, घर पे मायके आई है, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। ये है होमकमिंग ऑफ ए डॉटर फॉर एवरी कम्युनिटी। और दूसरी बात, बंगाल में जो है ना आज ये जो सेरेमनी है, ये फेस्टिवल का इकोनॉमी है 70,000 करोड़, इतना बड़ा इकोनॉमी। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा बंगाल लेके आए हैं और इसमें हर धर्म, हर क्रीड, हर जाति का यहाँ पे स्वागत है। हम सबको लेके चलते हैं और हम लोग वी आर ग्रेटफुल टू दैट डेविश मैनेजमेंट डील दैट हम लोगों ने ये कर पाया। बस ये जो पंचायत भवन मैनेजमेंट है, इन लोगों ने हमको अलाउ किया, तो हम लोग पूरा सबको लेके कर पाए।